नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 27 मार्च 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान सतर्क है। कोरोना महामारी के समय मैं हर परिवार से अपील करता हूं कि वो कम से कम एक व्यक्ति का अतिरिक्त भोजन बनाए व वंचित व्यक्ति तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कोरोना वायरस मामला। एजुकेशन भास्कर, भास्कर गाइड 1999 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड। नॉलेज बैंक, देश में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी प्रश्न। राजस्थान पत्रिका डेट रिमाइंडर, नई भर्तियां आवेदन शुरू। उच्च शिक्षा मंत्री ने कोलायत में वितरित करने के लिए भेजे 10,000 मास्क। व्याख्याता भर्ती बीकानेर, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी। ऑफिस चयन 17 तक, जयपुर एलडीसी भर्ती 2018। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जूनियर अकाउंटेंट पद से हटाने पर कोर्ट ने लगाई रोक, जोधपुर। होमगार्ड भर्ती परीक्षा आगामी आदेशों तक स्थगित। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2020, जयपुर 2500 पदे। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती आवेदन प्रक्रिया स्थगित, जयपुर कनिष्ठ सहायक व लिपिक ग्रेड भर्ती। 2018 में सफल 12,000 नर्सेस को नियुक्ति दी जाए ताकि सेवाएं दे सके। राजस्थान नर्सेस भर्ती 2018, बांसवाड़ा। कनिष्ठ न्यायिक सहायक और लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित, राजस्थान पत्रिका जोधपुर। छात्रों ने आवेदन व परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। क्लेट के आवेदन में 6 दिन शेष, ईमित्र बंद होने से ग्रामीण छात्रों को आ रही है परेशानी, जोधपुर। कोरोना वायरस मामला, परीक्षाओं में देरी से गड़बड़ाया नया सत्र, अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2020, CBSE एग्जाम एवं अन्य एग्जाम। नौकरियों के अवसर, राजस्थान पत्रिका एडमिशन अलर्ट। उपयोगी फुल फॉर्म, रेडियोलॉजी क्षेत्र संबंधी कुछ तथ्य। रेलवे को भी अब 28 पैरामेडिकल स्टाफ मिल सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड चित्तौड़गढ़, भास्कर। PTT के आवेदन 15 अप्रैल तक कर सकेंगे, नागौर। राजस्थान PTT 2020। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय PhD व MSc सेमेस्टर परीक्षा परिणाम घोषित, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब 15 अप्रैल तक की परीक्षाएं भी टलेगी, पहले 1 अप्रैल तक परीक्षाएं टल चुकी है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। वायरल सच, MGS विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा की कक्षा में आगे नहीं बढ़ाएंगे, बीकानेर शिक्षा विभाग। CBSE की परीक्षाएं बढ़ सकती है आगे, अजमेर। एग्जाम अपडेट, कई राज्यों का अगली कक्षा में दाखिले का फैसला, प्रदेश में अभी निर्णय बाकी। 1.31 करोड़ छात्रों की परीक्षाओं में और देरी, बिना टेस्ट प्रमोशन का भी विकल्प, जयपुर। ईमानदारी व कंपेशन है आज की सबसे बड़ी मांग। कोरोना प्रभावित जॉब मार्केट में जा रहे ग्रेजुएट्स की ऐसी हो तैयारी। बदलाव, ऑनलाइन क्लासेस 1 अप्रैल से, प्राइमरी के लिए ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग सेशन, जयपुर CBSE स्टूडेंट्स। स्टडी होम, स्टूडेंट्स को घर से पढ़ाई करने का मौका दे रहे हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोरोना वायरस मामला, 8वीं कक्षा तक का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी, अजमेर। 7 RES अफसरों के तबादले, जयपुर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना इन्फेक्ट हेल्प डेस्क से अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। NTA, UGC नेट, नीट और JEE परीक्षाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जयपुर।
कोरोना लॉकडाउन, 58 लाख बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव, स्कूलों में 8वीं तक की परीक्षा निरस्त करने की अपील। जयपुर, कक्षा 1 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश की मांग। उदयपुर, राजस्थान शिक्षक संघ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक स्थगित। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, ISST के ऑनलाइन टेस्ट शुरू। जयपुर बोर्ड ने छात्रों के लिए जारी किए नए हेल्पलाइन नंबर। उदयपुर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।